उन्होंने काम ये किया है कि हमारा चार्जर बैग में रखा है और खुद का चार्जर वो घर पे भूल गया है। ये है हमारा दादर स्टेशन। बहुत इंतजार के बाद ये ट्रेन आते हुए गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए लोनावला स्टेशन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो दिख रहे हैं सब जीप दिख रहे हैं ना, ये सब रेंट पे मिल जाते हैं। जैसे भाई की ये वाली बस से जाने के लिए, ये बस का पर पर्सन का जो टिकट है वो। इतना लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली एकवीरा भक्तांचे हार्दिक स्वागत करीता। हे गाइस, इट्स सीवीके राइडर 007। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक्चुअली हमारा प्लानिंग है वो है मुंबई टू लोनावला का। हो चुके थोड़े लेट, थोड़े नहीं कुछ ज़्यादा लेट हो गए। पीछे लोग भाग भाग के आ रहे थे को पूरे के पूरे रोड पे, हम ही भाग रहे हैं यहाँ पे। और भाई साहब ने जो हमारे पीछे शफीक भाई है, उन्होंने काम ये किया है कि हमारा चार्जर बैग में रखा है और खुद का चार्जर वो घर पे भूल गया है। सबसे अभी निकल पड़े हैं लोनावला के लिए। सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे दादर। अभी तो वेस्टर्न लाइन में, ये है हमारा दादर स्टेशन। जाएंगे सेंट्रल लाइन पे जहाँ पे मिलेगी हमें लोनावला के लिए ट्रेन। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो कि नाइट का व्यू है दादर का। तो हम अभी दादर से हमारी ट्रेन आने वाली है। बहुत इंतजार के बाद ये ट्रेन आते हुए। तो गाइस ये जो ट्रेन है, पता नहीं ये ट्रेन कैसी मिलेगी यार। इतनी अच्छी ट्रेन लगता नहीं है कि हमें ट्रेन मिल चुकी है दादर से। कोई ऐसा नज़ारा है इसका, यहाँ से देखा जाए तो नॉर्मल सब आगे जाके देख सकते हैं। आप जब नॉर्मल सब लाइन ही मार रहे हैं। और जो यहाँ से है एंड यहाँ पे फेसबुक मैंने यहाँ पे एक और आपको मिलेगा जो है सामने। मास्क लगा के रखिए, अलग चीज़ है। तो गाइस फिर से स्वागत है आपका। अलग तो लग रहा है लेकिन यही हमारा है वो दोस्त जो अजमेर से आया है अंदर है। क्या बोलना चाहेगा भाई? यहाँ पर चाय मिल रहा है, चाय देखना हमको कल्याण स्टेशन पहुँच के। चाय हमको चाहिए। कहाँ पहुँचे अभी? कल्याण स्टेशन पहुँच गए। कल्याण पहुँच गए यहाँ पे। गाइस जैसे कि देख सकते हो कि ये जो सामने ये डब्बा है, ये मीन्स पुराना जमाने का ही है। कितना जूना रहेगा मतलब डब्बे का? फिर भी 40-50 साल पुराना मॉडल है। चलो फिर अभी ट्रेन को हल्का झटका लगा बट ट्रेन तो आगे बढ़ी नहीं है। अभी जस्ट पहुँचे हैं करजत पे, तो ट्रेन तो रुकी हुई है फिलहाल के लिए। बाद जो अभी सीधा हम रुकने वाले हैं वो सीधा है लोनावला। तो डायरेक्ट लोनावला पहुँच के वीडियो को कंटिन्यू रखता हूँ। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए लोनावला स्टेशन। तो भाई बताओ क्या फीलिंग है लोनावला में आके? अच्छा लग रहा है। देखते हैं आगे का सफर कैसा रहता है। बाकी तो अभी हम बाई ट्रेन से आए हैं, लोनावला स्टेशन पर उतरे हैं हम। अभी बाहर से हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग का कौन सा मेन जरिया है हमें जाने के लिए हमारे होटल में। निकालेंगे सब बुला रहे हैं, देखते हैं सेल्फी में क्या कर रहे हैं। वो सेल्फी निकल के हो चुकी है। अभी यहाँ से निकलते हैं सीधा लोनावला स्टेशन के बाहर एंड उसका जो भी व्यू है मैं आपको दिखा देता हूँ। लोनावला स्टेशन के बाहर आते ही आपको यहाँ पे प्यारा सा आई लव लोनावला दिखा देगा। और यहाँ पे आपको ऑटो भी अवेलेबल मिल जाएगा आपको होटल्स, आपके लॉज या तो आपके बंगलों में जाने के लिए। एंड ये है अपना प्यारा सा लोनावला जो कि बहुत ही प्यारा है। yeah,
भाई साहब पीछे फोटो निकालने में बिजी है, एंड यहाँ पे ऑटो स्टैंड अवेलेबल। अरे भाई साहब हमारा अजमेर वाला दोस्त है, निकल चुके हैं हमारे होटल के लिए। यहाँ पे जैसे कि कार जो दिख रहे हैं, सब जीप दिख रहे हैं ना, ये सब रेंट पे मिल जाते हैं। जैसे कि आपको अगर कहाँ जाने का होगा, कहाँ पे जाना है जैसे कि होटल में, तो रेंट लग जाते हैं मिनिमम। इसका अमाउंट बात करके मैं बताता हूँ आपको गाइस, जो इसका है 400 से 500 रुपीज़ आपको लग जाएगा आपको वहाँ पे जाने के लिए। लोनावला स्टेशन के बाहर आपको ऐसी बस मिल जाती है कि निगड़ी, वही कामशेद मार्ग जो लिखा है, ये बस आपको मिल जाती है यहाँ पे। तो यहाँ से आप अपनी जगह पे जा सकते हो। बाकी के लोग तो ढीले पीले बन के आ रहे हैं आराम आराम से, और इनको देखो ऐसा कर रहे कि भाई साहब कपिल शर्मा शो। मॉर्निंग हुआ है कि ये वाली बस से जाने के लिए, ये बस का पर पर्सन का जो टिकट है वो है 21 रुपीज़। शगुन का 1 रुपया बाय द वे, शगुन, हाँ शगुन का 1 रुपया है। बाकी बस अच्छी है और कुछ नहीं बोल सकते। बस का कुछ सुंदर का सीन ऐसा दिखता है, ये पूर्ण बस, ये बस ही बुक कर लिया हम लोग ने पूरा। उतर चुके हैं अभी हम, और सामने जो है एकवीराई श्री क्षेत्र श्री एकवीरा देवस्थान सामने ही है, यहाँ पे देख सकते हो। नहीं नहीं भाई साहब फोटो निकालने के लिए खड़े हो गए लेकिन नहीं निकालता फोटो इसका मैं भाई, क्या व्यू है। निकल चुके हैं हमारे होटल के तरफ, यही वे है। इतना लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली एकवीरा भक्तांचे हार्दिक स्वागत करी ताहोत, तो ये बोर्ड हमें दिख चुका है। चाहते हैं अभी देखते थोड़ा, हमें अभी तक होटल भी नहीं पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद ही मैं भी ये वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा। इतना टाइम होने के बाद भी हमें अपना लोकेशन नहीं मिला, लेकिन ये जो भाई साहब, ये वैसे गाय का खेत है ना, हाँ बट भी चल रहा है। कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं यहाँ पे वो भाई, सामने का जो पहाड़ है भाई साहब एक नंबर, नॉट बैड। यहाँ का पहाड़, यहाँ पे एक वीराई का मंदिर है, और हम जा रहे हैं अपने होटल को। फाइनली यही हमारा बंगला, कुछ काम का नहीं है लेकिन चल। तो यहाँ पे भाई हमारा यहाँ पे टेरेस पे जाने की बात चल रही है, तो चलो टेरेस पे जाके देखते कि बंगला कैसा है और व्यू कैसा है यहाँ का। बाकी यार यहाँ पे एक नंबर फुल गांव वाली फीलिंग आ रही है तो गांव ही है बट ये एक नंबर फीलिंग आ रही है। तो ये आ चुके हैं हम टेरेस पे, टेरेस है ये, एंड यहाँ पे अंदर रूम जो होता है अंदर, देखते हैं यहाँ पे अंदर के बेड। बाकी जितने लोग आए सबके सब बाहर भागने की तैयारी चल रही है, खास करके अपना नीरज भाई। वेलकम ब्रो, यू आर इन माय व्लॉग। एंड बाकी का जो व्यू है वो यहाँ से व्यू तो एक नंबर आ रहा है। तो अभी हो चुके हैं पूरे फ्रेश, एंड अभी निकलते हैं सीधा एकवीरा मंदिर को। एंड हमारे बंगलों के करेक्ट सामने दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मैं बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ। हमारे करेक्ट बंगलों के सामने ही एकवीरा आई का टेंपल है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। से बेटर और क्या चाहिए यार। और यहाँ का जो व्यू है गाइस, सीरियसली कभी एक बार आके विजिट करना है प्लेस पे, बेटर लगेगा, फील आएगा। एंड यहाँ पे सबसे बेटर चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ का पॉल्यूशन नहीं है, गाड़ियों का साउंड नहीं है। ये साइड में देख ही सकते हो कि इतना बड़े बड़े जो पहाड़ है, इतने अच्छे जो पहाड़ है। एंड भाई हमारे शूट कर रहे हैं। तो अभी सीधा निकलते हैं एक वीरा माँ के साइड में, एंड आपको आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ वीडियो। ओके, जाने के लिए सबसे पहले यहीं पे दर्शन किया जाते हैं श्री एकवीरा देवी पायथा मंदिर बेरगांव में, और फिर इसके करेक्ट बाजू में से देख सकते हो यहाँ पे स्टेयर, यहाँ पे शूज निकाल के पहला पैर रखा जाएगा अभी। तो गाइस माता रानी का नाम लेते हुए यात्रा शुरू करते हैं। अम्बे मात की जय। ये स्टेयर से जो कि पूरा का पूरा ऊपर तक गए वहाँ पे, तो मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करता हूँ। अभी तो स्टार्ट किया भाई मैंने,
हालत तो इतने में ख़राब हो गई है, जबकि थोड़ा ही आगे आए हैं, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। लेट्स सी, जाते एक विराई का नाम लेते हुए चढ़ते रहो सीढ़ी। अभी तो गाइस जस्ट हम दोनों यहाँ पर ही चल ही रहे अभी तक, बाकी हम दोनों नहीं है भाई, तो हम तीनों हैं एंड वो तीसरा पर्सन ये है। लेट्स सी, आज इतना इजी लग रहा तो उतना इजी है तो नहीं है भाई लोगों को, देखो सबके सब थका के बैठ गए हैं। तो से ब्रेक के बाद फिर से चलो स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा। चलते चलो, बाकी सब जितने भी लोग वापस से आ रहे हैं उनको दर्शन मिल चुके हैं, अब हमारी बारी है। एंड यहाँ पे ऊपर आते हैं आपको मिलता है एक वीरा पांच पायरी पादू का मंदिर, ये वाला। ऊपर आने के बाद हम लोग को हमारा महल देखने मिल रहा है। ये रहा हमारा महल, बंगलो एक्चुअली, सही है, यहाँ से भी दिख रहा है प्रॉपर। निकलता है आगे का यात्रा को, सकते भाई को सेकेंड टाइम थक गया, अरे बाप रे ऐसी चढ़ाई है ऊपर, एकदम खड़ी चढ़ाई है ये। यहाँ से हम लोग ने किया था लाइन स्टार्ट गाइस, यहाँ से हमने लाइन लगाई थी एंड यहाँ से हम एंड वहाँ पर फोटोशूट चालू है, दर्शन हम भी जाने वाले वहाँ पे। इतनी अच्छी प्लेस है बट यहाँ पे पूरे के पूरे प्लास्टिक के बॉटल्स फेंक के रखे, जो कि इतना गलत बात है। एंड ये दिखने में कितना बेकार दिख रहा है यार, इतने अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस है, इतना अच्छा नेचर है, बट वहाँ पे पूरे के पूरे प्लास्टिक के बॉटल्स एंड चिप्स फेंक के रखे इतने ब्यूटीफुल नेचर के यहाँ पे, तो ये तो रॉन्ग है यार। एंड सामने भी देखेंगे ना वहाँ पर भी, गाइस सामने भी जूम करके देखेंगे तो सामने भी सेम टू सेम वैसा ही हाल करके रखा है, पूरे के पूरे प्लास्टिक के बॉटल्स फेंक के रखे हैं वहाँ पर भी। इतने ब्यूटीफुल प्लेस है बट यहाँ पर फिर भी इतना कचरा करके रखा है, नेचर को ख़राब नहीं करना चाहिए, जो भी प्लास्टिक की बॉटल से साथ में कैरी करना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ये जो यहाँ पे झाड़ जो है, पेड़ में भी पूरा बॉटल्स फेंक के रखा है यार, बहुत बहुत गलत है यार। यहाँ पर भी देखो चिप्स का पैकेट पूरा बॉटल, अच्छा नेचर है, इतना अच्छा व्यू है, अच्छा नेचर। बस थोड़ा टाइम बाकी है एक विराय का दर्शन को एंड यहाँ का जो व्यू है, हाँ व्यू है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे लाइन पे ही खड़े थे एंड जो लाइन थी वो पूरी होने में कम से कम 2.5 घंटे तो लगे थे, बट फिर भी मज़ा आया उस पर। एंड ये है एक विरा आई का मंदिर, यहाँ पर ही कम से कम 1 से 1.25 घंटा लग गया था लाइन में खड़े हो के। तो गाइस इसी के बताना चाहूँगा कि अभी 2.5 घंटे के बाद हमें दर्शन मिला है एक विराई का एंड अभी जो हम आए ना यहाँ पे, ये एक म्यूजियम टाइप है जो कि पार्ट 2 में ऐड होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली जो भी हम आए ना सर,
ओके तो ये वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, इसके बाद का जो वीडियो पार्ट टू में ऐड हो जाएगा। ओके निकलना।